मने पाप ना पंथी जता अद्वचेती पाछो वाली जो तारा विना जगत मा मारू ना थी कोई केल मा डूब तो बचाव वा बाणने मेश पर ज्ञान वर्षा की टीम इस वक्त जो है वो कराची के अंदर सबसे बड़ा मोहल्ला सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। ज्ञान वर्षा की टीम आज जो है वो कवरेज करने के लिए आई है नवरात्रि के उपलक्ष के अंदर। हर साल की तरह इस साल भी जो है वो बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पर। हर जगह जो है वो अपने मंदिरों में अपने घरों में जो है बड़ी रौनक और अच्छा अच्छा जो है वो सजावट किया हुआ है। इस वक्त हम लोग जो है मनर मंदिर में मौजूद है। मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं जो बच्चे लोग हैं बड़े लोग हैं जो है वो डांडिया रास कर रहे हैं। 9 दिवस जो है माता रानी की बड़ी महिमा होती है यहाँ पर। वैसे तो महिमा माता रानी की पूरे साल होती है लेकिन ये 9 दिवस जो है रात को जो है वो डांडिया रास गरबा और पूजा पाठ चल रहा होता है, उपवास लगा होता है। AYSS ज्ञान वर्षा के माध्यम से जो है हम आप तक जो पहुँचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे, AYSS ज्ञान वर्षा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धर्म ने काज दी गाने रे चढ़ो वीर वाच तुम्हारे रे धर्म ने काज दी गाने रे चढ़ो वीर वाच तुम्हारे रे ध्रुजा बादल दुश्मन ना मारते घोड़े वाच रो हालो रे कहनी नमो नमो हम बे दुख हरनी
माता जी। मैंने मनर मंदिर से शंकर लाल सिंह जी जेठा बात कर रहा हूँ। इस मंदिर में नवरात्रि का प्रोग्राम हर साल बड़ी धूमधाम से और खुशी से मनाया जाता है। ये जो प्रोग्राम है ये मनर मंदिर सेवा समिति की तरफ से होता है और नारायणपुरा पंचायत जो है वो हमारे सर पर है। हमारी नारायणपुरा पंचायत की हमारे साथ है और मनर मंदिर सेवा समिति इसकी जो जितनी भी देख रेख है वो मनर मंदिर सेवा समिति कर रही है। और ये जो प्रोग्राम हर साल की तरह बहुत धूमधाम हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय माता, जय जगत अम्बा। मारी कुल देवी रे मारी चामुंड माँ, नमो नमो कुल देवी रे मारी चामुंड माँ। मारी चामुंड माँ, माया तारी मीठी हाकर देवी रे मारी चामुंड माँ। ए तू मारी कुल देवी रे मारी चामुंड माँ, ए नमो नमो कुल देवी रे मारी चामुंड माँ। जैसा कि आप सब जानते हैं ये नवरात्रि जो है वो हमारे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा त्यौहार ही है जिसे 10 दिनों पर मबनी किया गया है। आज तीसरा दिन है, अभी मज़ीद 7 दिन बाकी हैं। हमारे कुछ परंपराएं हैं, कुछ हमारे बुज़ुर्ग जो जिनकी बिना पर हम यहाँ बैठे हैं और उन्हीं का सब किया धरा और उन्हीं का सब हम लोगों की ज़बान में कहते हैं कि उनकी कमानी है, यानी उन्होंने कमाया और वो उन्होंने हमारे लिए एक्सप्लोर किया, हमें बताया, हमें समझाया और हमारे आने वाले दिनों के लिए कुछ बेहतर करने के लिए उन्होंने हम पर ये। सबसे पहले तो नवरात्रि का पहला दिन जिसमें नवरात्रि का पहला उपवास जिसे हम फास्टिंग कह लें, रोज़ा कह लें, वो हम हर साल, मुझे तो गुज़िश्ता 20 सालों से जब से मैंने माता के इसमें कदम रखा है या माता ने समझ लगे मुझे अपनी गोद में लिया या मेरे पर अपनी ऐसी कृपा की, जिसकी वजह से जो है मैं आज आपके यहाँ, बल्कि मेरे भाइयों जैसे रवि भाई हैं और ये दूसरे भाई बैठे हुए इनके सामने बापूजी हो गए हमारे, बहुत मेरे काका श्री मूलचंद महाराज की जो है उन्हीं का मतलब सब माँ बाप की वजह से है, सब माता की कृपा है। तो पहले दिवस में हम ये करते हैं, यानी पहले दिन जो है पहले रोज़ हम ये करते हैं कि हम नवरात्रि का पहला रोज़ा रखते हैं जो कि कुछ खाए पिए बगैर, नॉर्मल हमारी फास्टिंग जो है वो रात 12 बजे से शुरू हो जाती है और फिर पूरा वो दिन चलती है और वक्तन जैसे 7:40 पर, 7:35 पर या 7:38 पर उसका अख्ताम होता है। तो हम फिर उस वक्त अपने सब परिवार वालों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के कुछ हमारे यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे माता के दिए चेतन हैं और फिर ये इसे हमारी जबान में धुपेलिया या धूप देने के लिए शंगी कहा जाता है। तो इसमें हम माता के उससे जो है अपना वो करके उसके बाद एक प्रसाद जो है हम घर में बनाते हैं जिससे हम अपना उपवास या रोज़े को, फास्टिंग को खोलते हैं। ये हमारी डेली की रूटीन है, 9 दिन तक हम इस तरह करते हैं, क्योंकि पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पाँचवा फिर छठा फिर सातवां फिर आठवां और 9 तक, क्योंकि लोगों के घरों में मोस्टली जो यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो 9 दिन तक इस परंपरा को सब एक प्रभाव से और बहुत जोश व खरोश से इसे मनाते हैं। तो ऐसा है कि उसमें जो है हमारी जो घरवाली होती है, जैसे भाई वाइफ हो गई और भाइयों की बीवियाँ हो गई, हमारी बेटियाँ हो गई जो हमने ब्याही हुई है दूसरे घरों में, वो सब भी उपवास को यानी फास्टिंग में होती हैं, तकरीबन सब रोज़े रखती हैं और इसी परंपरा को लेके हम चल रहे हैं। और जब से हमने आँख संभाली है तो हमने तो अपने घर में माता को ही देखा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अपना इष्ट देव, जो हमारा इष्ट देव है वो हमारी माँ सावन कह लें, आप माँ चामुंडा कह लें, वो है। और कई लोगों की जैसे माँ खोड़ियार है और फिर किसी की माँ मेलड़ी होती है, माँ जोगनी जगदम्बा होती है, किसी माँ बलाल या बाल्मी माँ या माँ बेचरा कह लें, ये सब माताओं के व्याकृत नाम है, यानी 9 दुर्गाओं के। हम इसे यूँ कह दें कि 9 दिन जो हैं वो हम 9 दुर्गा के उससे अपने बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। इसी तरह हमारी 7 दिनों तक ये चलती रहती है फास्टिंग, 8वें दिन हम फास्टिंग रखते हैं तो एक समाधान करते हैं,
वो समाधान से मुराद ये होता है कि वो हम अपने प्रसाद की सूरत में, जैसे हम अपनी मादरी जबान के अंदर आप जैसे समझ लें कि ये कहते हैं कि एक पटलियाँ जो हम नौ खंड या नौ माताओं का विसर्जन करके और बहुत अच्छे अहतमाम से और बहुत खुलूस के साथ बहुत प्रेम के साथ वो माता को भोग अर्पण करते हैं। और कई घरों में ऐसा होता है माता का कि कई लोग हमारे जैसे आठवें दिन, हमारी ज़बान में कह लें या आप इसको यूँ कहें कि आठम वाले दिन उसे तकरीबन तमाम लोग कहते हैं। और कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि वो नौम को यानी नवें दिन है माता का प्रसाद माता को अर्पण करते हैं। हमारी नवरात्रि बहुत जोश व खरोश से इसलिए भी मनाई जाती है कि हमारे बच्चे बहुत उत्साहिक होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वो किसी चीज़ को मनाना जानते हैं, किसी चीज़ को बनाना जानते हैं। जैसे डांडिया खेलते हैं, होली के रंग होते हैं जो हम नॉर्मली हम नवरात्रि के अंदर भी हम सूखे रंगों का जैसे गुलाल हो गया, नीले पीले हरे रंग जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं हमारी लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों को, छोटों को, इन सबको उनसे रंगोली से अपने गालों पर जो है उसके यूं करके मतलब आप समझ लें कि एक दूसरे को लगाती हैं और बड़ा खुश होती है। जाहिर सी बात है इसमें नौ दिन हमारे जागने के होते हैं और फिर दसवां दिन दशहरा होता है, जिसे आप सब जानते होंगे कि नवरात्रि के बाद दशहरा जो है वो दसवें दिन, जैसे रावण का आप कहते हैं कि जलदान करते हैं या उसका जलाते हैं, दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें। Yeah.